सामाजिक संस्था लायंस क्लब द्वारा आज सेक्टर 7 रतगल के सरकारी स्कूल में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। लायंस क्लब द्वारा स्कैनिंग मशीन के माध्यम से 100 बच्चों की आंखों की जांच की गई। इस जांच के दौरान 7 बच्चों की नेत्र दृष्टि कमजोर पाई गई। अब लायंस क्लब द्वारा इन 7 बच्चों की आंखों की पूर्ण जाँच श्री अवधैत स्वरूप नंगली आश्रम नेत्र अस्पताल में करवाकर डॉक्टरों द्वारा दिए गए नंबर का चश्मा इन बच्चों को बनवाकर दिया जाएगा ताकि इनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि लायंस क्लब द्वारा वर्ष भर जनहित कार्य किए जाते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की आंखों की जाँच हेतु लायंस क्लब द्वारा एक आई स्कैनिंग मशीन खरीदी गई थी। इस मशीन द्वारा जिला भर के स्कूलों में बच्चों की आंखें जांच संबंधी अभियान शुरू किया गया था जो लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में रतगल के सरकारी स्कूल में लगभग 100 बच्चों की आंखों की स्कैनिंग मशीन द्वारा जांच की गई। अब नंगली कुटिया आश्रम द्वारा संचालित आंखों के अस्पताल के कुशल डॉक्टरों की देखरेख में इन बच्चों की आंखों की पूर्ण जाँच की जाएगी और लायंस क्लब द्वारा बच्चों को चश्मे बनवाकर दिए जाएंगे। अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि क्लब द्वारा शुक्रवार को 13 अगस्त को वात्सल्य वाटिका विद्यालय में नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर प्रोजेक्ट के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र मेहता, प्रदीप झाम, विकास गोयल, हरीश लतुरा थे। शिविर में वार्ड के पूर्व पार्षद विशाल शर्मा के अलावा संस्था के सचिव डॉक्टर जेपी केसरी, कोषाध्यक्ष संदीप मरवा, पूर्व प्रधान अजय बजाज, जितेंद्र मेहता, अश्विनी जैन, नवीन डोडा, सरजीत सिंह, सतपाल शर्मा, बलविंदर सिंह, जोगा सिंह, जितेंद्र सिंह, शंटी आदि भी मौजूद रहे। क्लब के सभी सदस्यों ने इस मौके पर विद्यालय के बच्चों को पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया। क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले निखिल चोपड़ा की उपलब्धि पर भी बधाई दी। आज सभी देशवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज नीरज चोपड़ा की वजह से आज हमारे देश में गोल्ड मेडल आया है। बहुत दिनों से इंतज़ार था, कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि आखिर हमारे इंडिया में भी गोल्ड मेडल आए, तो गोल्ड मेडल आ ही गया। आज लायंस क्लब के सभी साथी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे शहर को बहुत बहुत बधाई, बहुत हार्दिक बधाई कि भाई आज हमारे यहाँ गोल्ड मेडल आया और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे गर्व की बात ये भी है कि जो इनके कोच हैं वो भी हमारे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, तो हमारे लिए बहुत बहुत ये खुशी का अवसर है। आज इसको सभी लोग, पूरे देशवासी बहुत हर्षोल्लास से उत्साहित होकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सब लोगों को, बहुत बहुत बधाई लायंस क्लब को, लायंस क्लब के साथियों को, सारे देश को लायंस क्लब की तरफ से बधाई। मैं संजीव छाबड़ा, मेंबर लायंस क्लब कुरुक्षेत्रा की ओर से करबद्ध होकर हरियाणा वासियों की तरफ से सारे भारतवर्ष को नमन प्रणाम करता हूँ। आज हमारे हरियाणा के इस भाई ने, नीरज चोपड़ा ने, जो हमारी छाती ऊंची की है, जैसे हमारे भारतीय सेना में 11% भारत की जनसंख्या के 2% होने के बावजूद 11% सैनिक हरियाणा के हैं और सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार इस लड़के ने, हमारे भाई ने, जो हमारे हरियाणा का नाम सारे भारतवर्ष में और सारे विश्वभर में रोशन किया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हम ताउम्र आज का जो एक गौरव का क्षण है 7 अगस्त, ये जीवन में नहीं भूल पाएंगे और आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। धन्यवाद।